आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश महंत राम सुंदर दास महाराज ने जांजगीर चांपा के प्राचीन और ऐतिहासिक शिवालयों में जिला जांजगीर चांपा के प्राचीन मंदिरों का दर्शन कर भगवान से देश की जनता की खुशहाली एवं कोरोना वैश्विक महामारी से कलवित मृत आत्माओं की शांति की कामना को लेकर जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत चार विधानसभा क्षेत्र जिसमें पामगढ़ शक्ति जांजगीर चांपा जयपुर सम्मिलित हैं वहाँ स्थित प्रमुख शिवालय में राजेश्री महंत राम सुंदर दास महाराज सहित कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर चलेश्वर चंद्राकर व कमलेश सिंह बाबा चुन्नीलाल साहू निर्मल दास वैष्णव सुखराम महाराज भुवनेश्वर के सरवानी पत्रकार बंसीलाल केवट व कांग्रेस जनों ने पहुंचकर मत्था टेका। क्या है पूरा खबर आइए देखते हैं जिला जांजगीर चांपा ब्यूरो चीफ गौरव राय सागर के साथ। स्वागत है आप मन के जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ के आवाज में। आज हम गुड़ बात करबो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश्री महंत राम सुंदर महाराज जी से और जांजगीर चांपा जिला के तीर्थ स्थल मन के दर्शन करे हे एक बारे में जानबो। आज जांजगीर चांपा जिला में कौन कौन से तीर्थ स्थल में आज महंत महाराज जी गैरी से ओकर बारे में ज़्यादा जानकारी पर हमारे संग सीधा मन गुड़ बात करबो महंत महाराज जी से। स्वागत है अपन के जय सिंह छत्तीसगढ़ के आवाज़ में। भगवान शंकर जी के प्रिय मास माने जाते और आज सावन महीना के दूसरा सोमवार सब भक्तमन भगवान शंकर जी के दरबार में जा कर के पूजा अर्चना करते हैं और भारतवर्ष में भी हमारे बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ वहाँ भी सब पहुँचते हैं। हमन छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध शिवालय हैं और वो भी हमारे जांजगीर जिला बहुत सारे प्राचीन और पुरातत्व के दृष्टि से ही बहुत प्राचीन शिवालय हैं वहाँ वहाँ जाकर के आज हम पूजा अर्चना करें हन जेमा सबसे पहले शिवनायन मठ में जो विराजमान है चंद्रेश्वर महादेव वहाँ दर्शन पूजन करें। शिवनायन के शिवनायन मंदिर जहाँ बड़े मंदिर जिले के थे वहाँ चंद्रचूर्ण महादेव स्थित हैं वो भगवान के पूजा अर्चना करके जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करे के बाद खरौद नगरी जो छत्तीसगढ़ के काशी भी कहे जाते वो खरौद नगरी में भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव विराजमान हैं वहाँ पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त करे के बाद शिवनायन से लगे हुए तुष्मा गांव हैं जहाँ जोधगिर बाबा विराजमान हैं स्वयंभू मूर्ति हैं वह और वहाँ दर्शन पूजन करे के बाद में किरित गांव है जहाँ कीर्तकेश्वर महादेव स्वयंभू मूर्ति हैं भुईफोड़ महादेव जिले के थे वहाँ जाके पूजा अर्चना करके गांव वाले से मन से हम भेंट भी करें मुलाकात करें। उकर बाद में नवागढ़ जो विकास खंड मुख्यालय है वहाँ सरोवर के तट पर विराजमान है लिंगेश्वर महादेव जो बहुत ही प्राचीन महादेव हैं वहाँ पूजा अर्चना करे के बाद हंसदेव नदी के तट पर गांव पिथनपुर में पिथमपुर धाम में कलेश्वर महादेव विराजमान हैं वहाँ भी बढ़िया पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर तुर्री धाम जा कर के भगवान शंकर जी के पूजा अर्चना करे के बाद उड़े केरा में भगवान शंकर जी विराजमान हैं वहाँ भी पूजा अर्चना करें। बंधिंडी विकास खंड में एक गांव है चोरहा देवरी जिला भगवान के नाम से ही देवपुर के थे तो वो देवपुर में भगवान सिद्धनाथ विराजमान हैं और सिद्धनाथ बाबा के दरबार में जा कर के जो हंसदो नदी के तट पर हैं वहाँ जा कर पूजा अर्चना करके हमन आशीर्वाद प्राप्त करें हन। और फिर अपन सहयोगी सहित हमन बंधिंडी गांव से लगे हुए गांव है बड़गड़ी और बड़गड़ी गांव में सिद्धेश्वर नाथ बाबा विराजमान हैं वहाँ सिद्धेश्वर नाथ भगवान के दर्शन पूजन करके हमन पुण्य प्राप्त करें हन। दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करके हमारे पूरा सहयोगी सहित छत्तीसगढ़ के खुशहाली। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।